नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो के अंदर डाला था कि लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी नोटेशन की। तो नोटेशन होती है इसकी एन, ये आपके पास होता है एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एन इज इक्वल टू सी बाई वी। उसके बाद आपके पास टॉपिक है मिरर, जिसको हम बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कवर्ड और स्फेरिकल, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है आपका कवर्ड होता है और स्फेरिकल होता है, उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। उसके बाद बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके पास टू टाइप के होते हैं, पहला आता है कनकेव, दूसरा आता है कन्वेक्स। बात करते हैं इनके बारे में, कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं। आपके पास डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो उससे आगे आपके पास आता है कनकेव मिरर के अंदर, जैसे आपके पास चम्मच होती है आपकी, तो आपकी चम्मच एक बार आप चम्मच को क्या कर दें, उल्टा कर दें और एक बार उसको सीधा कर दें। बात आती है उससे आगे आपके पास सेकंड पॉइंट है कनकेव मिरर के अंदर, तो आपके पास क्या होता है इनर सरफेस होता है, उसमें रिफ्लेक्टिंग होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है सिल्वर होता है, इस केस में इसका रिवर्स होता है। उससे बाद में इसके यूज की बात आती है, कनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं, विकेट की हेडलाइट के अंदर, सेविंग मिरर के अंदर, ईएनटी स्पेशलिस्ट के अंदर, सोलर फर्नेस के अंदर। इसमें बात कर लेते हैं आपके पास जो गाड़ियों के जो मिरर लगे होते हैं, ड्राइवर जो मिरर होता है उसमें यूज होता है, इन स्ट्रीट लाइट के अंदर यूज होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।